नमस्कार, बीएड द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र अधिगम के लिए आकलन के प्रकरण आकलन के प्रकार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जो आकलन है वह व्यक्तिगत रूप से छात्र की कमजोरियों और क्षमताओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ताकि छात्र को शिक्षक विशेष रूप से एजुकेशनल सपोर्ट दे सके या छात्र एजुकेशनल सपोर्ट प्राप्त कर सके। आकलन का जो उद्देश्य है वह पालक का शैक्षिक सुधार करना है। सबसे पहले योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक जो आकलन है उसका अर्थ अंक आधारित परीक्षाओं से है। अंक आधारित अर्थात अंक प्रदान करने से है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक प्रदान करना होता है, जिससे आकलन पाठ्यक्रम के समाप्त हो जाने पर किया जाता है। जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में वह वार्षिक हो सकता है, वह अर्धवार्षिक आकलन हो जाता है, लेकिन वह अंक प्रदान महत्वपूर्ण होता है, उस पर अंक प्रदान किए जाते हैं। योगात्मक आकलन यह पता लगाने में सहायक होता है कि पाठ्यक्रम के अधिगम उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। योगात्मक आकलन किसी विद्यार्थी के विकास के बारे में जानने के लिए केवल इसका सहारा लेना अनुचित एवं अवैज्ञानिक माना गया है। सिर्फ मात्रात्मक परिणामों का फीडबैक देने का अर्थ है कि हम सिर्फ उन अंकों पर ध्यान देते हैं कि हमें ये अंक प्राप्त हुए हैं। अंकों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। जो विद्यार्थी ने एक सीमित परीक्षा अवधि में हासिल किए हैं, जब शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो परीक्षा में प्राप्त अंक पर अत्यधिक जोर देने से है कि विद्यार्थी के मन में एक धारणा बैठ जाती है कि मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति से भिन्न है, अलग है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र सोचता है सीखो और भूल जाओ। जब परीक्षा नजदीक होती है तो वह मेहनत करता है, वह रटता है, वह सीख लेता है और अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में उस विषय वस्तु को भूल जाता है। जो सीखो और भूल जाओ की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलता है। यह
अस्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने के साथ साथ विद्यार्थी पर व्यर्थ बोझ भी डालती है। इसलिए इस योगात्मक आकलन को अनुचित एवं अवैज्ञानिक माना गया है। जो दूसरा है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन पहला है योगात्मक आकलन जो अंक प्रदान करने से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद में वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप में किया जाता है। दूसरा है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन को निर्माणात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। जो शिक्षक द्वारा रचनात्मक आकलन का उपयोग भय मुक्त वे सहयोगी वातावरण में विद्यार्थी की प्रगति की नियमित रूप से जांच के लिए किया जाता है। रचनात्मक आकलन प्रत्यक्ष एवं त्वरित होता है। ऐसे आकलन का परिणाम व प्रभाव विद्यार्थियों को तुरंत ज्ञात हो जाता है। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी व संपूर्ण कक्षा के प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि वे कितना बेहतर सीख रहे हैं। रचनात्मक आकलन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह अधिगम को एक सुखद अनुभूति बना देता है, क्योंकि विद्यार्थी की सहभागिता उसकी सीखने की इच्छा के साथ मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनको भी प्रभावित करती है। इस आकलन का परिणाम विद्यार्थियों को तनाव में नहीं डालता है। इसके परिणामों का अभिलेख तो रखा जाता है परंतु ग्रेड नहीं दी जाती है। इसके द्वारा शिक्षक को विद्यार्थियों की कमियों व विशेषताएं समझ आती हैं कि विद्यार्थियों को ज्ञात होता है कि उनके सीखने में क्या कमियां रह गई हैं। जो कमियां रह गई हैं उनको पूर्ण कर लिया जाता है और यह रचनात्मक आकलन त्वरित एवं शीघ्र होता है। तीसरा है कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिक कुछ विद्वान बताते हैं निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं या उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना पड़ता है कि ये छात्र हैं ये असफल होने का क्या कारण है। छात्रों की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनका पता लगाकर शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में
सुधार करता है, जो एक शिक्षक का मूल उद्देश्य होता है कि निदानात्मक आकलन में जो छात्र असफल हो रहे हैं उन असफलता का कारण ढूंढता है और कारण ढूंढने के बाद में एक इसी के साथ में उपचारात्मक आकलन होता है निदानात्मक के साथ में। इसमें ढूंढा जाता है जो उसकी कमियां हैं, जो असफलता के कारण हैं, उनको ढूंढा जाता है। और जो अगला होता है उपचारात्मक आकलन। इस आकलन में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता है। निदानात्मक आकलन में पता लगाया जाता है और उपचारात्मक जो आकलन है उसमें जो कमियां हैं उनको नवीन विधि के द्वारा, अंतरिया के द्वारा, प्रयोग के द्वारा उन कमियों को दूर किया जाता है और छात्र को प्रगति की ओर ले जाया जाता है। इस प्रकार से आकलन के प्रकार हुए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो आकलन के बारे में चर्चाएं चल रही है, तो आकलन करने के जो प्रचलित जो तरीके हैं वे कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। आकलन के प्रचलित तरीके, आकलन करने के प्रचलित तरीके, आकलन करने के प्रचलित तरीके। नंबर एक, स्वयं आकलन। स्वयं आकलन, छात्र खुद आकलन कर सकता है। नंबर दो, समवाय आकलन, समवाय आकलन। समवाय आकलन या सहपाठी आकलन भी इसको कहा जाता है। जब कक्षा में शिक्षण हो रहा है, अध्यापन हो रहा है, तो उस समय अपने सहपाठियों से भी आकलन होता है। समूह आकलन, समूह आकलन, समूह में आकलन किया जाता है। ये आकलन करने के प्रचलित तरीके हैं। व्यक्तिगत आकलन, व्यक्तिगत आकलन, व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत आकलन किया जाता है। अवलोकन आकलन, अवलोकन आकलन, अवलोकन के द्वारा आकलन किया जाता है। कॉन्फ्रेंसिंग नवीन जो तरीका है, कॉन्फ्रेंसिंग आकलन, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आकलन किया जाता है। इसमें दूर बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी आकलन किया जाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार द्वारा भी आकलन किया जाता है। आमने सामने बैठ करके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का
उत्तर दिया जाता है। वहां पर साक्षात्कार में केवल सामने बिठा करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह कोई अपनी समस्या नहीं पूछ सकता है। इस प्रकार से साक्षात्कार के द्वारा भी अवलोकन किया जाता है। फिर है मौखिक रूप से, मौखिक प्रश्न व उत्तर के द्वारा भी आकलन किया जाता है। लिखित लिखित प्रश्न व उत्तर के द्वारा भी आकलन किया जाता है। लिखित रूप में देकर के छात्र को, छात्र का अवलोकन किया जा सकता है। अगला है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो द्वारा भी आकलन किया जाता है। पोर्टफोलियो में गणितीय अनुभवों को, पोर्टफोलियो में गणितीय अनुभवों को एकत्रित किया जाता है। जैसे बच्चों द्वारा समय समय पर किए गए कार्यों का संग्रहण किया जाता है, जो पूर्व अनुभव होते हैं, जो कक्षा कक्ष की जो शिक्षण संबंधित अनुभव होते हैं और जो प्रगति के अनुभव होते हैं, उनको पोर्टफोलियो में दर्शाया जाता है। उसके बाद में और भी बहुत सारे तरीके प्रचलित हैं। कार्यपत्रक द्वारा अवलोकन किया जाता है। कार्यपत्रक के द्वारा, चेकलिस्ट के द्वारा, चेकलिस्ट के द्वारा एक निश्चित मात्रा में एक प्रश्न पत्रों की चेकलिस्ट बनाई जाती है। प्रश्नावली के द्वारा प्रश्नों की जो एक पंक्ति या निश्चित प्रश्न बनाए जाते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, उनकी प्रश्नावली बनती है। उसके द्वारा सटीक उत्तर भी होता है। जिसको बच्चा जानता है वही सही करता है, जो नहीं जानता है वह गलत करता है। उसके आधार पर अवलोकन किया, वो आकलन किया जाता है। फिर लिखित दत्त कार्य के द्वारा लिखित रूप में कार्य दिया जाता है। लिखित दत्त कार्य के रूप में अवलोकन किया जाता है। और एक दैनिकी डायरी भी जो स्कूलों में प्रचलित होती है कि प्रतिदिन क्या किया है क्या नहीं किया है, बच्चा के अंदर प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, इस प्रकार से आकलन करने के ये प्रचलित प्रमुख तरीके हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।